इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 124 रन की शानदार पारी खेलकर एक इतिहास रच दिया है। बता दें कि रूट ने इसी 124 रन के साथ ही भारतीय कप्तान विराट कोहली के टेस्ट मैच में अब तक के बने रन के रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए हैं। रूट के अब तक 76 टेस्ट मैच में 6455 रन हो गए हैं, जबकि विराट कोहली ने अब तक 73 टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 6331 रन बनाए हैं। शतकीय पारी के बदौलत रूट ने कोहली के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को भी पीछे छोड़ दिया है। रूट ने 76 मैचों में 15 शतक और 41 अर्धशतक लगाए हैं। उनका अधिकतम स्कोर फिलहाल 254 रन है। बता दें कि रूट ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया क्योंकि उस पिच पर गेंद ज़्यादा स्विंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने अंतिम तक अच्छा खेल दिखाया। बता दें कि श्रीलंका में इस मैदान को सबसे खतरनाक मैदान माना जाता है। आपको यह भी बता दें कि रूट के इस बेहतरीन पारी पर सौरभ गांगुली ने भी उन्हें बधाई दिया है और कहा है कि ऐसी टर्निंग पिच पर लगाए गए अब तक के बेस्ट शतकों में रूट की बेहतरीन शतक है। बता दें कि रूट की तारीफ में मोहम्मद कैफ ने लिखा, रूट की पारी मास्टर क्लास थी। बता दें कि इंग्लैंड ने 290 दूसरी पारी में 346 रन बनाए थे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।